Hello, my dear students. A very fresh morning to all of you. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. So, yesterday we completed our food crops, right? Food crops kya hota hai? Rice, wheat, millets, pulses. Jo hum कंज्यूम कर सकते हैं उसको फूड क्रॉप्स कहते हैं. यस, सो वी विल स्टार्ट विद अवर क्लास विद द थॉट ऑफ द डे एंड एक्टिविटी. यस, टुडेज थॉट ऑफ द डे इज बिलीव यू कैन एंड यू विल. यस, इट इज़ वेरी पावरफुल थिंग दैट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए उसे जो कितना भी मुश्किल काम है वो इजीली हो सकता है. बिलीव इन योर सेल्फ देन यू कैन डू एनीथिंग. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी. बिफोर दैट, डे बिफोर यस्टरडे आई हैड गिवन यू एक्टिविटी सम रिडल्स, यू हैव टू सॉल्व दैट. ओके, so I hope you have done that, but I will explain it because it's very important and very interesting one. Okay, first one is we should cook in water. What is that? What is the name of that? It is rice. Ice जो होता है freezer में रखते हैं उसका rhyming word है rice. जो answer is rice है. And second one, I am white and fluffy and make you feel comfortable in summer. Summer में हम उसका जो clothes पहनते हैं. My name rhymes with something your shirt has. Button से जो cotton rhyming word है. इसलिए हमारा answer है cotton. Cotton cloth हम wear करते हैं जो summer में. Yes? The second answer is cotton. Third one, You grind me, wet me, knead me and bake me. हम grind करते हैं तो आटा, उसको grind करते हैं जो पानी में डाल के knead करते हैं, उसके बाद roll करते हैं and we will make chapatis, bake करते हैं, right? Rhymes with sugar, sugar taste कैसे होता है? Sweet होता है, उससे जो rhyme होता है, rhyming word आता है जो wheat, sweet wheat. वीट जो है हमारा थर्ड आंसर. ओके, एंड फोर्थ वन, यू बॉयल मी, स्यू मी एंड ड्रिंक मी. वी शुड बॉयल दिस एंड वी शुड स्टीर दिस एंड आफ्टर दैट ओनली वी कैन ड्रिंक दैट. व्हाट इज दैट? द राइमिंग वर्ड ऑफ दैट इज द की. की से जो उसका राइमिंग वर्ड है वो है टी. टी है जो हम बॉयल करते हैं उसके बाद ड्रिंक करते हैं, राइट? ये जो राइस, कॉटन, वीट, टी, ये सब क्या है? इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया. इंडिया में इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज एक्टिविटी. आपको पता चला कि लास्ट क्लास में हम किए थे ये एक्टिविटी, उसका आंसर आपको मिला. जो आप सब ये अटेम्प्ट किए होंगे क्योंकि ये ओनली वन स्टूडेंट हैज़ शेयर्ड विथ मी द आंसर. रेस्ट ऑफ यू डिड नॉट शेयर विथ मी. सो आई होप यू डन दैट एंड यू नो द आंसर्स, राइट? ओके, टुडेज एक्टिविटी इज यू हैव टू सर्च इन दिस ग्रिड 8 मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन अवर कंट्री. इन इंडिया देर आर many types of crops, right? So you have to find out 8 major crops grown in India. One is done for you. Rice has done for you. You have to search all other major crops, 8 major crops grown in India. Okay, I hope you will do this and you will take a picture of that and you will share with me, right? We completed meaning of hard words 1 to 12, right? So now we continue with 13.
प्लांटेशन, प्लांटेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज स्केल एस्टेट, इसको प्लांटेशन कहते हैं. लेटेक्स, जो लेटेक्स क्या होता है, अ मिल्की फ्लड ऑफ मैनी प्लांट्स, जो ट्रंक को कट करते हैं जो ट्री का, उसमें से लिक्विड जैसा आ जाता है, उसको क्या कहते हैं, लेटेक्स. एंड 15th वन, एक्सट्रैक्टेड, टू ड्रॉ आउट बाय एफर्ट, जो उसका जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ड्रॉ आउट बाय एफर्ट, एफर्ट से जो उसको एफर्ट डाल के उसका जो अंदर होता है उसको निकालते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट कहते हैं. 16th वन, ट्रंक, द मेन वुडी स्टेम ऑफ अ ट्री, उसको ट्रंक कहते हैं. 17th वन, लाइफ स्टॉक, फॉर्म एनिमल्स को लाइफ स्टॉक कहते हैं. डोमेस्टिकेटेड, टेम एंड केप्ट एज अ पेट और ऑन अ फॉर्म, फॉर्म में रखते हैं एज अ एनिमल, एज अ पेट, सो उसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड. 19th वन, कॉन्स्टिट्यूट, बी अ पार्ट ऑफ अ होल, जो अ मेन पार्ट होता है उसको कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं. 20th वन, असेट्स, अ यूजफुल और वैल्यूएबल थिंग, यूजफुल एंड वैल्यूएबल थिंग को क्या कहते हैं, असेट कहते हैं, जो मीनिंग, हर्ड वर्ड्स का मीनिंग आपको पता चला, राइट, जो आपको अच्छे से याद रखना होगा हार्ड वर्ड्स का मीनिंग. ओके, सो यस, सो लेट्स स्टार्ट अवर सिलेबस, चैप्टर नंबर 10, एग्रीकल्चर. इसमें जो फूड क्रॉप क्या क्या होता है वो हम लास्ट क्लास में देखे थे, राइट. वी स्टडीड अबाउट राइस, व्हीट, मिलेट्स एंड पल्सेस. ओके, टुडे वी विल कंटिन्यू विद कैश क्रॉप्स. जो कैश क्रॉप्स क्या होता है, जो हम ग्रो करते हैं क्रॉप्स को मार्केट में सेल करने के लिए ताकि हमको कैश मिल जाए, उसको क्या कहते हैं, कैश क्रॉप्स कहते हैं. इसमें कॉटन, शुगर केन, जूट, ऑयल सीड्स, टी, कॉफ़ी, रबर, ये सब आता है, राइट. कैश क्रॉप होता है जो कॉटन, शुगर केन, जूट, ये सब हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं, हम उसको मार्केट में सेल करके पैसे, जो पैसे उससे कैश मिल जाता है, राइट. ये जो क्रॉप्स होता है लार्ज फॉर्म में, लार्ज एरिया में, उसको क्या कहते हैं, प्लांटेशन क्रॉप भी कहते हैं. ओके, वी विल कंटिन्यू विद दिस शुगर केन. शुगर केन क्या है, कैश क्रॉप है, उसको जो जैगरी और शुगर बनाते हैं इससे, शुगर केन से, राइट. ये डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं करते हैं उसको, जो उससे क्या होता है, शुगर या एंड जैगरी होता है, गुड़ कहते हैं ना, शक्कर, गुड़, ये सब होता है, स्वीट. सो जो उसका जो पानी निकाल के, उसका जो एक्सट्रैक्ट करके उसको बॉयल करते हैं तो जैगरी एंड शुगर मिल जाता है. सो ये शुगर केन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूस होता है इंडिया में, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है शुगर केन का. यस, फर्टाइल सॉइल चाहिए इसको, शुगर केन के लिए फर्टाइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल क्या है, अल्यूवियल सॉइल, उसमें शुगर केन ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है. एंड हाई टेम्परेचर चाहिए, क्लाइमेट जो कंडीशन कैसे चाहिए, मॉइस्चर क्लाइमेट चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए इसको. ओके, वी विल सी हाउ इट लुक्स, जो इसका प्लांट कैसे दिखता है, वी विल सी दैट. यस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर जो शुगर केन का प्लांट्स, राइट, उसको बांधना पड़ता है, जो पूरा ऊपर तक जाता है उसको अच्छे से ऐसे करके जो बांधना पड़ता है, राइट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, मैनी ऑफ यू हैव सीन बाय डायरेक्टली बट सम यू हैव नॉट सीन, दैट्स व्हाई आई हैव
some pictures that you can see in this. Okay, so जो ए शुगर केन होता है फर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो हो सकता है. एंड इसको कैसे टेम्परेचर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, मॉइस्ट क्लाइमेट, क्लाइमेट कंडीशन मॉइस्चर होना चाहिए, क्लाइमेट में मॉइस्चर होना चाहिए, टेम्परेचर जो ह्यूमिड लाइक टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर होना चाहिए. एंड वाटर सप्लाई जो है वो अच्छे से होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब अच्छे से वाटर सप्लाई होता तो शुगर केन अच्छे से ग्रो हो सकता है. इंडिया में जो ऑल ओवर इंडिया में ये ग्रो हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में एंड आंध्र प्रदेश में अच्छे से शुगर केन आता है. इसलिए ये जो स्टेट्स है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश जो है शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है. ओके, एंड नेक्स्ट जो आता है हमारा कैश क्रॉप में वो है जूट. जूट क्या होता है, ये फाइबर क्रॉप होता है. इन योर पेज नंबर 63 you can see in cold countries where sugar cane cannot be grown, जो cold countries होता है उसमें sugar cane नहीं आता है, जो sugar cane को high temperature चाहिए. Sugar you can see in this picture, right? Sugar beet होता है, जो sugar का beet होता है उसको sugar cane कहते हैं, उससे sugar बन जाता है, उसको जो extract करते हैं उसके पानी आ जाता है, उससे हम शुगर बनाते हैं, शुगर या जैगरी बनाते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज जूट. जूट क्या होता है, ये भी एक कैश क्रॉप है, उसको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं करते हैं, फाइबर क्रॉप है ये, लॉट ऑफ वाटर चाहिए, उसको अच्छे से वाटर सप्लाई होना तो अच्छे से ग्रो होता है, इसको भी हाई टेम्परेचर चाहिए. इसलिए वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा ये सब प्लेसेस है जो सुंदरबन डेल्टा प्लेस होता है उस एरिया में अच्छे से ग्रो होता है जूट. व्हाट आर द स्टेट्स, व्हाट, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम एंड ओडिशा, जो आपको ये पिक्चर में आप देख सकते हैं जूट. जूट का प्लांट कैसा दिखता है, राइट? ये जो जूट से हम क्या क्या बनाते हैं, बैग्स, कारपेट्स, रोप्स, ये सब होता है जूट से. ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर जूट का जो प्लांट है वो कैसे दिखता है, राइट? यू कैन सी इन योर पेज नंबर 63 अबाउट जूट. ओके, वेस्ट बंगाल में ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द जूट इज़ वेस्ट बंगाल, द स्टेट वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. जो ये जूट होता है, कॉटन होता है, ये सब जो अच्छे से वेदर जो होता है सनी होना चाहिए, जो वेदर हाई टेम्परेचर में होता है, लेकिन जो कोल्ड कंट्रीज होता है उसमें जो फ्लैक्स प्लांट होता है उससे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, यूज टू ऑब्टेन टेक्सटाइल फाइबर, फाइबर बनाने के लिए, जो टेक्सटाइल्स बनाने के लिए, क्लोथ्स बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं इन कोल्ड कंट्रीज़, दे यूज़ फ्लैक्स प्लांट. वो भी हम देखते हैं पिक्चर में क्या होता है वो फ्लैक्स प्लांट. ओके, यस, यू कैन सी इन दिस पिक्चर फ्लैक्स प्लांट, फ्लैक्स सीड जो आपको पता है वो जो कोल्ड कंट्रीज जो होता है उसमें फ्लैक्स जो टेक्सटाइल के लिए यूज़ करते हैं, एक कुछ ऐसे दिखता है फ्लैक्स प्लांट. ओके, सो अवर नेक्स्ट
कैश क्रॉप इज कॉटन. आपको पता है ये कॉटन क्या होता है, राइट? वी यूज टू मेक क्लॉथ्स. कॉटन से क्लॉथ्स जो होता है, कॉटन क्लॉथ्स. यस, इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल. इसलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं. ब्लैक सॉइल में कॉटन अच्छे से ग्रो होता है. ये जो कॉटन होता है वो वार्म एंड सनी वेदर में, जो वेदर वार्म होता है, सनी होता है, सनी मतलब जो पूरा ज़्यादा सनलाइट आता है, जो हॉट होता है, उस वेदर में अच्छे से ग्रो होता है कॉटन. गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट होता है उसमें, एंड पंजाब में जो कॉटन अच्छे से ग्रो होता है. जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड पंजाब. ओके, सो इसमें डू यू नो में है, कॉटन इज मेजर्ड इन बेल्स. जो बेल्स क्या होता है, ए जो मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं बेल्स को, ट्रेडेबल यूनिट जो होता है आफ्टर गिनिंग. जो कॉटन प्लांट से कॉटन आता है उसको गिन करते हैं कॉटन को, उसके बाद जो यूनिट करते हैं वो बेल्स से मेजर होता है. ओके, हम देखते हैं वो बेल्स क्या होता है. यस, आफ्टर गिनिंग द कॉटन दे कैन make like this bales. So if you want to buy cotton bales, you have to ask them kitna bales chahiye. They will ask you how much bales you want. Like that it has to be measured. Okay, a cotton bale is a standard sized and weighted bag of compressed cotton. So ginning karne ke baad जो कंप्रेस होता है कॉटन, उसका जो वेटेड पैक होता है. ओके, जो इसका डायमेंशंस एंड वेट होता है, डिफरेंट कॉटन की जो वैरायटी होता है इसमें, जो पूरे जो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस एंड वेट होता है इसका, जो मेजरमेंट इज कॉल्ड बेल्स. ओके, you understood this, right? So hamara jo cash crop mein sugarcane, jute and cotton jo hai wo main cash crops hai, and plantation crops jo hai wo cash crop mein hi aata hai, lekin usko plantation crop kehte hain. kyun wo hum dekhte hain kyun usko, tea, coffee, rubber, is sab ko hum plantation crop kehte hain. क्यों हम उसको प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं वो भी हम देखते हैं, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट. जो प्लांटेशन क्रॉप्स होता है, लार्ज एरिया में, वास्ट एरिया में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड सेल करने के लिए जो उसको क्रॉपिंग करते हैं. टी, कॉफ़ी, रबर, दे आर द मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया. जो वास्ट एरिया में, जो लार्ज एरिया में प्लांटेशन करके वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, राइट? हम देखते हैं वन बाय वन. टी, कॉफ़ी एंड रबर. जो टी होता है हमारा जो इंडिया का मेजर प्लांटेशन क्रॉप है, राइट? इसमें आसाम जो स्लोप्स एरिया होता है, लाइक हिली एरियाज, हिल स्टेशंस होता है, उसमें एटी प्लांटेशन ज़्यादा देखने के लिए मिलता है. जो वार्म एंड वेट क्लाइमेट, इसको भी वार्म क्लाइमेट चाहिए एंड वेट क्लाइमेट चाहिए. क्लाइमेट कंडीशन जो वेट होना चाहिए लेकिन वार्मर होना चाहिए, उस एरिया में टी अच्छे से ग्रो होता है. असम, वेस्ट बंगाल में मेनली दार्जिलिंग में एंड तमिलनाडु आर द मेन टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी, टी का जो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इंडिया में. ओके, जो आपको पता है टी इज़ अ इम्पॉर्टेंट क्रॉप इन इंडिया.
ओके सो एक टी है जो हिल स्टेशन में, हिल एरिया में अच्छे से ग्रो होता है. ओके वी यूज टू ड्रिंक टी, यस, बट डायरेक्टली वी विल नॉट यूज इट. दैट्स व्हाई इट इज अ कैश क्रॉप, नॉट अ फूड क्रॉप. ओके सो नेक्स्ट इज कॉफी. कॉफी इज ऑल्सो अ प्लांटेशन क्रॉप, अ प्लांटेशन क्रॉप. नीलगिरी हिल एरिया में, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ए एरिया में अच्छे से ग्रो होता है कॉफ़ी. सो आपको पता है ये नीलगिरी हिल्स कहाँ आता है. हम जो पहले वीडियो में देखे थे कि नीलगिरी हिल्स कहाँ आता है, जो कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला के तीनों स्टेट के जो थोड़ा थोड़ा पार्ट्स होता है नीलगिरी हिल्स का, जो उस एरिया में कॉफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, राइट. वो कैसे दिखता है जो कॉफ़ी का प्लांट, आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 64 में है कॉफ़ी प्लांट एंड रबर प्लांट भी है. जो इसमें 63 पेज में आप लोग देख सकते हैं टी प्लांट. टी प्लांट कैसे दिखता है, जो टी प्लांट का जो उसका लीव्स होता है उसको हम तोड़ के टी प्रोड्यूस करते हैं. ओके ये जो कॉफ़ी होता है वो सीड्स होता है. जो रबर होता है उसको हम देखते हैं कैसे रबर बनाते हैं, राइट. कॉफ़ी प्लांटेशन ऐसे दिखता है कि हिल एरिया में जो ऐसे प्लांट को ग्रो करते हैं. ओके सो कॉफ़ी होता है ऐसा, जो इसको सीड्स को लेके ड्राई करके पाउडर बनाते हैं, कॉफ़ी पाउडर. ओके सो आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में कॉफ़ी प्लांट एंड सीड्स ऑफ कॉफ़ी, राइट. यस ये है टी प्लांटेशन. टी प्लांट्स कुछ ऐसा दिखता है जो स्लोप एरिया में, जो हिली एरिया में अच्छे से ग्रो होता है, राइट. Plucking the tea leaves, they are the some in some pictures you can see ladies are plucking the tea leaves. Okay, so next is rubber. Rubber भी एक plantation crop है. Kerala में ज़्यादा rubber plantation आपको देखने के लिए मिलता है. जो latex कहते हैं रबर मिल्क का, ऑफ अ रबर प्लांट विच इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय मेकिंग ए कट इन इट्स ट्रंक. हम देखते हैं कैसे उसको कट करके रबर लेटेक्स जो मिल्क होता है उसको यूज़ करते हैं रबर बनाने के लिए. ओके इससे रबर प्लांट को, रबर ट्री को कट करके, ट्रंक को कट करके जो लेटेक्स को, जो मिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिल्क को जो एक बकेट में ऐसे रखते हैं जो यूज़ होता है रबर प्रोड्यूसिंग में. ओके आपको पता चला एक रबर प्लांट कैसे दिखता है एंड रबर क्यों यूज़ होता है. रबर क्यों यूज़ होता है आपको ये पता ही है, ये जो केरला में अच्छे से प्रोड्यूस होता है. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर इज केरला. द स्टेट केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर. रबर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, रबर बैंड बनाते हैं, जो टायर्स बनाते हैं, आप लोग जो इसका यूजेस देख सकते हैं, राइट. रबर से क्या क्या बनाते हैं, टायर्स, रबर बैंड्स, ये सब बनाते हैं. यस सो प्लांटेशन क्रॉप क्या क्या होता है, रबर, कॉफ़ी एंड टी. एंड ये भी कैश क्रॉप ही है लेकिन प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं इसको. एंड शुगर केन, जूट एंड कॉटन आर द मेजर कैश क्रॉप्स इन इंडिया.
and tea, coffee and rubber are plantation crops, right? So you have understood about plantation crop and cash crops, yes? So in our next class we will see about livestock. Livestock क्या होता है, ये भी agriculture में ही आता है. वो क्या होता है वो हम देखते हैं in our next class. Okay, so we completed till plantation crop, right? So in our next class we will see livestock and quick review of this chapter. And today I will share the PDF of worksheet. Please do complete it. We will discuss the worksheet part in next class. Okay. Till then, take care. Bye-bye.